हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है T20 स्टडी में और मैं आपका दोस्त भोला कुमार। दोस्तों आज फिर से लेके आए हुए हैं दोस्तों NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3200 से जो रुक्मणी का पढ़ा रहे हैं द प्लेटफॉर्म का दोस्तों। और मैं पिछले कुछ वीडियो में बता रखे हैं दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन तक NTPC का अभी सेट चला रहे हैं 3200 सेट वाला, और मैं उससे आगे लेके आए हुए हैं आज। तो दोस्तों और एक चीज़ कहना है दोस्तों, जो कि जितने भी NTPC और ग्रुप डी में जो जितने एडवांस है और अर्थमेटिक है दोस्तों, ऐसे तो मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है एक से एडवांस है चाहे अर्थमेटिक है, सारा चीज़ बता रहे हैं दोस्तों। लेकिन मेरा माइंड कह रहा है कि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ दोस्तों, यानी कि दो वीडियोज़ को बनाऊँ। एक अर्थमेटिक का जो सीरियलवरी चल रहा है, जो लगातार चल रहा है नंबरिंग बाय नंबरिंग, वो तो अर्थमेटिक के रूप में उसको लेंगे दोस्तों, लेकिन एडवांस भी लेंगे उसी के सीरियल बाय सीरियल से। लेकिन एडवांस का जो क्वेश्चन रहेगा वो अलग वीडियो बनेगा दोस्तों, उसका एक प्लेलिस्ट अलग होगा दोस्तों। मेरा सोच यही है, पता नहीं दोस्तों मैं ये सही सोच रहा हूँ कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एडवांस का जो भी है टॉपिक, जितने भी NTPC रेलवे का क्वेश्चन है, एडवांस का एक अलग प्लेलिस्ट बनाएं और उसका एक अलग वीडियो में सारा क्वेश्चन जितने भी है, ट्रिगो रहे या एलजेब्रा रहे चाहे क्षेत्रमिसी से जो भी रहे, सब मिसलेनियस क्वेश्चन, उसका अलग वीडियो बनाते चलेंगे। जितने भी जैसे पूछा गया है रेलवे NTPC वगैरह में ग्रुप डी में, सारा उसका एक अलग वीडियो के रूप में सोचते हैं दोस्तों, उसको लें। तो क्या करें, आप लोग इरादा दें दोस्तों, कमेंट करें इस वीडियो में कि उस पर वीडियो बनाएं एडवांस का अलग टॉपिक, यानी कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अलग वीडियो उसको लें, या फिर क्या करें, या फिर जो साथ में चल रहा है एक ही वीडियो में सारा चीज़। मेरा कहना है कि दोस्तों मुझे लगता है कि अलग ही रहने से बेटर रहेगा, क्योंकि एडवांस सोचिएगा, अगर एडवांस का वीडियो देखिएगा तो एडवांस माइंड चलेगा कि नहीं ये एडवांस का वीडियो है, हम एडवांस को देख रहे हैं, यानी कि एडवांस में जितने पूछे गए हैं रेलवे NTPC का वो अलग वीडियो रहेगा। सारा कहीं से भी रहेगा क्वेश्चन, जो भी सीरियली अगर लेंगे, ऐसे एडवांस तो लगातार नहीं रहेगा, कहीं दो नंबर में रहेगा, कहीं 20 नंबर में रहेगा, कहीं 5 नंबर में रहेगा, तो उस सब मिक्स में जितने भी है कोशिश करूंगा कराने के लिए, जितने भी पूछा गया है रेलवे में उसका एडवांस, आज जो सीरियल वाइज सीरियल जो चल रहा है दोस्तों वो तो लेंगे ही। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अच्छा लगे तो जरूर कॉमेंट करके बोलिएगा दोस्तों कि हम क्या करें, इसको अलग अलग वीडियो बनाएं दो पार्ट में, एक अर्थमेटिक अलग और एक एडवांस का अलग, तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, तो मैंने कुछ वीडियो पहले भी बता रखे थे दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन तक, और मैं उससे आगे लेके आए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120 तो बता रखे थे, 121 चलते हैं। हाँ, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर ले प्रार्थना, क्योंकि अब जो है रनिंग पकड़ ले हैं दोस्तों, अब वीडियो डेली अपलोड होगा, और मेरा वीडियो का समय क्या है दोस्तों, 7 से 8 के बीच में मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो मेरा टाइमिंग सुबह 7 से 8 है। तो चलिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जो नहीं किया हो कर ले, जाके जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों, 121 हम 120 बता रखे, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं। बोला कि दोस्तों 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल सा बोल रहा है कि 22 सेंटीमीटर मेरा दे दिया दोस्तों, 22 सेंटीमीटर मेरा दे दिया है, अब बोल रहा है कि एक वृत्ताकार का क्षेत्रफल दोस्तों, ये मेरा जो दिया गया है ये परिधि दिया गया, क्या दिया है दोस्तों, परिधि दिया है, परिधि या परिधि को हम लोग परिमाप भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जो भी दिया रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे, परिधि को परिमाप या परिधि बोल सकते हैं, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर दिया गया है वृत्त का, तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मूला पर बेस है, यानी कि वृत्त का परिधि बराबर होता है दोस्तों, वृत्त का परिधि बराबर होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr बराबर मेरा कितना दिया है दोस्तों, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 2×22 का मान, पाई का मान कितना, तो 22/7, आर का मान हमारा कुछ नहीं दिया दोस्तों, आर का तो ही मान निकलेगा तभी तो मेरा क्षेत्रफल निकलेगा वृत्त का, तो चलिए आर का मान निकालना है, तो आर नहीं है तो कुछ आर, तो 22×22, चलिए अब सीधा सीधी में 22 तो कट ही जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक बार में आप देखिए R बराबर हमको निकालना है, तो क्या निकालना है, तो 2R = 7, तो R बराबर मेरा 7/2, यानी कि बराबर मेरा कितना 3.5, ये मेरा त्रिज्या निकल गया, R मतलब रेडियस दोस्तों, ठीक है, ये निकल गया मेरा, तो मेरा ये निकल गया, तो अब निकालना हमको क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, आप लोग जानते होंगे पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7, आर का मान मेरा निकल गया दोस्तों 3.5, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको करेंगे क्या, चलिए पॉइंट को हटाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 10, इसको भी फिलहाल पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है 10, चलिए पॉइंट हट गए। अब करना क्या है, चलिए 7×5 = 35, अब हट गया। अब करना क्या है दोस्तों, उसको सॉल्व करना है, उसको काट भी सकते हैं 5×10, इसको हम कटा भी सकते हैं दोस्तों, तो कटेंगे क्या, चलिए इसको भी काट सकते हैं, काटिए 5×5 = 35, 5×10, अब 5×10 इसको भी काट सकते हैं, चलिए अगर 0 को नहीं काटे तो और अच्छा रहता दोस्तों, लेकिन चल काटने तो काटने, चलिए अब क्या करेंगे, जो बचा है क्या क्या बचा, 7 + 8 यहाँ कितना 7 × 9 = 14 बचा है दोस्तों, यहाँ काटे ना दोस्तों 5 से काट दिया इसको 5 बार में, अब 5×9 = 10 काट दिया, तो कुछ बता ऊपर 7 बचा, 22 बता, 7 × 9 = 14, 7×9 = 14 = 15, और बचा कितना 2×2 = 4, और 4 से इसको भागा देंगे दोस्तों तो कितना जाएगा, 4×3 = 12, उसके बाद हो जाएगा 4×3 = 12, बच गया मेरा कितना दोस्तों, यहाँ बच गया 3, और यहाँ देंगे कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा टोटल अगर कटाएंगे मेरा पूर्णांक में आ जाएगा दोस्तों मेरा 3×8, उसके बाद पॉइंट देंगे तो मेरा पॉइंट देंगे दोस्तों मेरा कितना हो जाएगा 5, यानी कि मेरा इतना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर, मेरा इसका क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये कैलकुलेशन कुछ नहीं था, हम तो थोड़ा कैलकुलेशन इसको जटिल कर दिए, लेकिन जटिल नहीं करना था इसको, अगर हम लोग यहीं भी रख सकते थे, यहाँ क्या कर सकते थे, चलिए इसको अगर नहीं समझ में आया तो और इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते हैं, अगर जटिल बना लें, क्योंकि यहाँ हम पॉइंट मिले आए हैं, अगर यहाँ भी दायर कर सकते थे, वीर का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान मेरा कितना, अगर हम यहाँ 7/2 रख दें, चलिए 7/2 रख देते हैं तो 7/2 2 बार बैठा देंगे, ठीक है 7/2 2 बार बैठा देंगे, 7 खत्म हो गया। अब देखिए क्या हुआ, ये 11 ओवर में 11×77/2, अब इसको 77 का आधा कितना जाएगा दोस्तों, 2×3 = 6, 2×8 = 16, उसके बाद फिर यहाँ मेरा हो जाएगा 5×2 = 10, मेरा ई हो गया। बत्ते बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, कटाने पर डिफरेंस है, हम इसको दो तरीका से कटाने जो नहीं जानते हैं तो थोड़ा देख लेंगे, या फिर इसको पॉइंट में करके भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बटे में भी रखे कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमियों द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम वर्क का है, 50 आदमी किसी कार्य को दोस्तों कितना दिन में समाप्त कर सकता है, 50 आदमी 20 दिन में, यानी कि कार्य करने वाला जितना कार्य जितना दिन में करता है दोस्तों उसको ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऊपर में, जब हम चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे ना उसमें पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन अभी भी होगा। तो जितना भी कार्य है और जो कार्य करने वाला ऊपर रहेगा, चलिए इन 50 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, यानी तो 18 आदमी की मतलब उसी काम को क्या बोल रहा है समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, 1 दिन लगेंगे। अब इसको कटाइए ना, आप कटाइए इसको, 9 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है, उसके बाद कोई कटेगा नहीं, कटेगा कितना हो जाएगा 500 × 9, एक्स बराबर मेरा हो जाएगा 500/9 दिन में, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग कटाएंगे ना, तो इसका ऑप्शन मेरा अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×45, 9×45, यानी कि मेरा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन एक दिख रहा है क्या, ऑप्शन मेरा 55.2/9 मेरा ई आंसर हो जाएगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आता होगा दोस्तों, कुछ करना नहीं था, इसको सॉल्व करना था, किसी बोल रहा है कि 50 जो है क्या है, 50 आदमी किसी काम को जो है 20 दिन में कर सकते हैं, तो उसी दिन जो है 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में, इसको सॉल्व करना था, सॉल्व करके मेरा आंसर ये आ गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों 123 नंबर में बोल रहा है, सरल करें, सीधा सा क्वेश्चन है, 1^6 है और 1^-4 उसके बाद बोल रहा है भागा 1^3, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करना कैसे है, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं।
इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग घटनाक्रम में पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े हो तो चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए अगर बेस बेस समान हो, अगर मल्टीप्लाई हो तो उसका जो है पावर जो है ना दोस्तों जुटता है। क्या होता है, अगर बेस समान हो, अगर गुना में चिन्ह हो तो उसका पावर क्या करता है, एड हो जाता है। अगर वही हम बात करें भागा में, तो भागा में अगर बेस समान हो, आधार समान हो तो उसका जो पावर है वो घट जाता है। तो भाई बस यही वही फॉलो करना इसी में, इस क्वेश्चन में। तो चलिए पहले हम करते हैं गुना वाला, ठीक है। एक एक मतलब तो जान रहे हैं कि बेस एक ही है, हम बोले थे कि जो है पावर क्या होता है गुना में जुड़ता है, तो जोड़ देंगे पावर प्लस पांच छ प्लस अब माइनस चार, यानी कि जुड़ना मतलब प्लस यहाँ होगा ना बीच में, तो उसको तो माइनस उसका है तो जोड़ेंगे तो प्लस यहाँ हो जाएगा। अब भागा मेरा है एक पर पावर क्यू। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ए पर छ प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि छ में चार गया दोस्तों दो बज गया, और भागा मेरा क्या हो गया एक पर पावर तीन। चलिए यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए क्या होगा, ये भागा के मूड में आ गया, क्या हो गया भागा के रूप में आ गया, तो इसको करना क्या है। चलिए हम तो बोले थे कि भागा जो रहेगा उसका पावर जो है घट जाएगा, अगर सामान मेरा बेस है तो बेस तो सामान है तो पावर घटा देंगे, एक पर पावर मेरा हो जाएगा दो माइनस तीन, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक पर पावर घटा देंगे तो माइनस वन हो जाएगा मेरा आंसर। लेकिन इसको ऑप्शन के में तौर पर जाना है तो आंसर ई भी हो सकता है, और ऑप्शन में जाना है तो अगर ई माइनस को हटाना है तो बटे में जानते हैं कुछ नहीं तो एक है ना, अगर माइनस को हटाना है तो पावर तो एक ही है, एक का मतलब एक ही हो जाएगा, तो इसको पावर को अगर माइनस को हटाना तो ई वाला ऊपर ए वाला नीचे, यानी कि एक को ऊपर और ए वाला नीचे लाना होता है दोस्तों, ई रूल है। तो मेरा आंसर ई आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर अगर ये वाला समझ में नहीं आया, फिलहाल तो समझना होगा ही दोस्तों, सब प्रोसेस है। चलिए वो इसका यहाँ तो समझ में आया, यानी कि हम बटे को क्या लिख सकते हैं, भागा को बटे में लिख सकते हैं एक पर पावर स्क्वायर बटे एक पर पावर क्यू, ये तो लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तो समझ में आएगा ना इसको करने के लिए, अब क्या करेंगे, ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों, ए पर स्क्वायर मतलब दो गो एक बार ए, ठीक है। एक का मतलब क्यू मतलब तीन गो जो है ना ए लिखना है, कितना थ्री गो, ठीक है थ्री गो ए लिखना है। अब देखिए देखिए दो गो ए खत्म होगा तो ऊपर हम तो कुछ नहीं तो एक होगा ना दोस्तों, ये दो ही कट गया दो ए तो ऊपर एक में तो ए नीचवा में क्या बचा ए, यानी कि एक बट्टे ए। चलिए जो आपको समझ में आए दोस्तों उसको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ये दोनों तरीका है। तो चलिए अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लेकिन पूरा वीडियो देखिए तभी अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नए की है तो कर लीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरा वेन डायग्राम का क्वेश्चन। दोस्तों वेन डायग्राम क्वेश्चन जो है इस वीडियो में खुद कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा कोई भारी नहीं है, लेकिन इसका जो है एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों बहुत जल्द, तो उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। तो फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं दोस्तों, तो इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा, तो मैं आगे की ओर चलता हूँ। तो बोल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मेरा हो जाएगा 127, ठीक है दोस्तों 127 बोल रहा है दोस्तों 127 में, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि बोल रहा कि एक जो है उन्नयन कोण, दो को कौन होता है उन्नयन कोण एक अवनमन कोण दोस्तों, ठीक है। जब इसका फुल बताएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल अभी सेट चल रहा है तो सेट के अनुसार चलना होगा। यानी कि एक क्या है दोस्तों, क्वेश्चन फिर से देखते हैं, बोल रहा है कि एक मीनार है, चलिए मीनार है, ठीक है। इसको अगर मीनार रहेगा तो बेस तो होगा, ये बेस मेरा दे दिया है कुछ शायद 20 सॉरी हाँ आधार दे दिया है 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर मेरा दे दिया है आधार, 20 मीटर आधार इसको बेस बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि जो है 20 मीटर दूरी पर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से जो है चोटी जो है ना इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री है। और जो 20 मीटर का आधार तो दे ही दिया दोस्तों, तो बोल रहा है चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ई वाला ज्ञात करना। क्या ऊंचाई कुछ नहीं समझ में आता, एच मान सकते हैं, अरे ऐसे भी ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, या फिर इसको मान लीजिए ना एच, तो ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि इसके सामने वाला जो होता है दोस्तों ये मेरा कर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों
कर्ण कहलाता है, इसके सामने वाला वाला जो होता है मेरा, ये मेरा लंब कहलाता है, और जो बच जाता है इसको आधार बोलते हैं दोस्तों। जब पढ़ाएंगे फूल तो और समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल समझिए। लेकिन अब जो 60 डिग्री दिया है किस पर बैठेगा, किस पर बैठेगा दोस्तों, ये पता करना है। यानी कि हमको ये वाला ही निकालना है ना, यानी कि लंब बटे आधार किस पर सूट खाता है दोस्तों, टेन थीटा पर। तो टेन थीटा पर हम लोग जान गए हैं कि लंब जो आधार टेन थीटा पर होता है, तो टेन थीटा कितना, टेन 60 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों, टेन 60 डिग्री बराबर मेरा कितना हो जाएगा, एच बटे आधार, आधार बराबर कितना है दोस्तों, 20 दिया गया है। तो टेन 60 डिग्री का मान बस बैठाना है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बराबर एच बाय 20। अब इसको जो है कोना कोनी गुना कर दीजिए बराबर में, नहीं समझ में आता तो बटे एक कर दीजिए। तो h बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 रूट थ्री मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ रूट थ्री को और यहाँ का तोड़ के दिया गया है, तो रूट थ्री को तोड़ दीजिए। तो रूट थ्री को अगर तोड़ेंगे हम लोग दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर रूट थ्री को तोड़ेंगे तो यानी कि तो h बराबर मेरा अगर रूट, तो रूट थ्री का मान याद रखना होता दोस्तों, इसका होता है 1.732, याद रखना ही होगा रूट थ्री का, ना तो हम लोग थोड़ा निकालेंगे ऐसे करके रूट थ्री का मान। तो ऐसे नहीं निकालना है, ये सब पॉइंट पॉइंट छोटा छोटा चीज याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करेंगे तो सीधा सीधी देखिए, जीरो को दो से गुना कीजिए सबको, दो दुना चार हो जाएगा, दो तीया छः हो जाएगा, दो सते चौदह और दो एकम दो एक तीन हो जाएगा दोस्तों। एगो एगो जीरो था, बीस से किए तो एगो जीरो बैठा दे दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद क्या गो अंक है, एगो दो गो तीन गो, तो एगो दो गो तीन गो के बाद पॉइंट दे दिए, मेरा आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। मैं आशा करता दोस्तों समझ में आता होगा दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ दिख नहीं रहा हो दोस्तों तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं ताकि और समझ में आता हो आपको, दिख जाए। इसको गुना करेंगे तो मेरा, फिर से गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, दो दुना चार हो जाएगा दोस्तों, दो तीया छः हो जाएगा, दो सत्य चौदह हो जाएगा, उसके बाद दो एकम दो और एक तीन हो जाएगा, एक जीरो बैठा दीजिए क्योंकि बीस से गुना करे थे, तीन गो के बाद जो है पॉइंट है, तो तीन गो के बाद पॉइंट दीजिए, एक दो तीन, यानी कि मेरा इतना आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आता होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 128 में बोल रहा है दोस्तों, एक सीढ़ी का इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है, सीढ़ी इमारत का 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि बोल रहा है कि ये बेस है दोस्तों, एक बेस है जिसका मेरा दिया गया है 6 मीटर दूरी पर दिया है, और इसके बाद दिया है कि ऊंचाई दिया है, एक मीनार सॉरी क्या है, हाँ इमारत है जिसका जो है कितना दिया गया दोस्तों, 14 मीटर ऊंचाई है, कितना है 14 मीटर। तो बोल रहा है ये मेरा जो है इसका दूरी कितना होगा, तो हम लोग सीधा जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, अरे भाई वाह इसको देखिए, इसका वाला क्या जगह कर्ण होता है ना, हम लोग बार बार जानते हैं दसवां से पढ़ते आ रहे हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। अरे को हमको कर्ण निकालना होता है दोस्तों, क्या करते हैं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं ना रूट में लेके, वही आंसर हो जाता है। चलिए इसको रूट करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 14 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 196 प्लस 6 = 36। अब इसको जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 × 6 = 12 हो जाएगा, 6 × 6 = 12, उसके बाद हो जाएगा 9 × 3 = 12 हो जाएगा, 1 × 13 हो जाएगा, और 1 × 1 = 232 हो जाएगा मेरा आंसर दोस्तों। लेकिन 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 मेरा ऑप्शन में दिया नहीं है दोस्तों, तोड़ के दिया गया है। तो बताइए 232 का किसी का स्क्वायर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन को चेक करते हैं, 13 का तो नहीं होता, 13 का तो 169 होता है, ये तो होगा ही नहीं। चलिए 2√18 ई हो सकता है, इसको तोड़ेंगे तो मेरा आंसर हुआ तो यही होगा दोस्तों। बोलिएगा का है, इसको तो तोड़िएगा, तो जानते हैं तोड़ने के लिए, ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं, दो से लगाइए जितना भी है, फिर जितना लगेगा इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि गुणनखंड विधि के तोड़ से। लेकिन ई करना का है इतना जी, हमको देखना है 232 का कोई वर्गमूल है ऑप्शन के अनुसार, 15 का तो 225 होता होवे नहीं करेगा, और 16 का तो होवे भी नहीं करेगा, तो ऑप्शन में बचता क्या है 2√58। तो मेरा आंसर वाइज का तोड़ेंगे तो यही ना होगा, ये सब तो कॉमन माइंड लगाना होगा दोस्तों, नहीं लगाइएगा तो कैसे कॉम्बिनेशन निकालिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तो हमें अच्छा लगता है,
और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 में बोल रहा है दोस्तों, 129 में बोल रहा है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। दोस्तों इसमें ट्रेन का सवाल है, इसमें कुछ करना है नहीं दोस्तों। यहाँ एक खंभे को पार कर रही है तो खंभे को खुद अपने आप पार करती है दोस्तों, ना कि उसका साथ लंबाई नहीं जुटेगा। अगर यही मेरा दिया रहता प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई जोड़ते, लेकिन यह खंभा तो खंभा का कोई दूरी नहीं होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मेरा सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा ट्रेन की लंबाई 180 मीटर दिया गया है और इसके बाद 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमको समय निकालना है दूरी बटे चाल। अब देखिए देखिए क्या करना है, यहाँ 160 मीटर में, तो इसको भी मीटर में लाना है, आंसर भी मीटर में है। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर में लाने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से गुना करते हैं तो 18 जो है उस कैलकुलेशन के अनुसार ऊपर चल जाएगा, 18 जाएगा कि नहीं तो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा 1-0 में खत्म हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग 8 बार में काट सकते हैं, 9 बार में काट सकते हैं, 4 बार में काट सकते हैं और 9 बार में काट सकते हैं। अब नहीं कटेगा तो 9×81/4, ठीक है। और उसके बाद सॉरी 5×20, क्योंकि यहाँ वो 5 छुटा हुआ है, 5×20। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा ऑप्शन मेरा आ जाएगा, आंसर मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको कटिएगा तो 2×8 यानी कि मेरा 4 हो जाएगा, 0.05 मेरा सेकेंड आ जाएगा आंसर दोस्तों, मेरा आंसर यही होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बिना लेट किए हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 130 नंबर दोस्तों, 130 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए 3480 रुपये की एक साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीधा सिंपल सा दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, लाभ हानि का क्वेश्चन है, ऐसे जब चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होगा, लेकिन यहाँ भी क्लियर होगा, मेरा एक डायलॉग है। लेकिन देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, जितने भी आपको रुपया दिया गया है, जितना भी है परसेंटेज में दिया हुआ लाभ या हानि, उसका होल वैल्यू का जो है उसका उल्टा गुना करेंगे तो मेरा जो है क्रय मूल्य निकलेगा। अगर विक्रय मूल्य निकालना होता है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। तो चलिए क्या करना होता है, मेरा टोटल दिया है 3480 रुपया, ठीक है। बोलता है 20% का लाभ, तो 20% का लाभ दोस्तों, 20% का लाभ मतलब 120/100। अगर 20% का हानि बोलता है तो 80/100 यानी कि 100 से आगे और पीछे करते हैं, ठीक है। चलिए इसको कटाएंगे तो मेरा 6/5 और यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, 6/5 आएगा। तो यानी कि 120% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन 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 अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है 6/5 नहीं की बल्कि 5/6 लिखना है, यानी कि 5/6 कैसे लिखना है दोस्तों, 100 ऊपर, चलिए फिर से जाते हैं, 100 ऊपर लिखेंगे और जब 20% का लाभ तो 120 लीजिए, बराबर मेरा आंसर आ गया। चलिए 1×9=5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों, इसको काटेंगे, 6×5=30 हो जाएगा, बच गया 4, 6×48 बच गया 0। अब इसको गुना करेंगे तो 5×0=0, 5×40 बच गया 4 और 25×25=29, मेरा 2900 रुपये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको जरूर समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 131, ठीक है दोस्तों। बोला कि एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है और बी वही काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए सिंपल सा समय अनुकार का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि एक काम किसी को हमारा 40 दिन में करता है और बी उसी काम को हमारा कितना दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। इसको दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 120 4 या 12, 3 बार में कटेगा, 3×12 4 बार में कटेगा,
टोटल मेरा काम 120 है दोस्तों, ए बराबर काम कर रहा 3 और बी काम कर रहा 4, तो बोलता है दोनों मिल के कितना दिन में करेगा। तो चलिए चलिए देखिए, 120 टोटल काम है और 4 3 दोनों मिल के काम करेगा कितना, 7 काम करेगा। तो 7 काम से इसको क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा सॉरी इसको भाग दे देंगे तो मेरा आंसर जो भी आएगा वही आंसर होगा दोस्तों, तो मेरा आंसर यही हो गया दोस्तों। अगर इसको पूर्णांक में अगर हम लोग लिखेंगे तो पूर्णांक में मेरा हो जाएगा 17 × 1/7 मेरा आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आता होगा। तो चलिए दोस्तों क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को जो है यही समाप्त करते हैं दोस्तों। चलिए आगे की ओर जब फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसके आगे क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों लाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं जो स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में कहे हैं कि अगर आपको एडवांस का टॉपिक अलग प्लेलिस्ट चाहिए, यानी कि उसका अलग एक वीडियो स्पेशल बने, जितना NTPC रेलवे का ग्रुप डी का है उसका एक एडवांस, जितने भी प्रकार के हैं उसका एक अलग जो है वीडियो में उसका हर एक बार लाएंगे। और जो अर्थमेटिक जो चल रहा है सीरियल वाइज वो तो चलेगा ही दोस्तों, अगर ऐसा करें तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ एडवांस का जो है अलग बनाएं ताकि अच्छा रहेगा। इसलिए हम सोचें दोस्तों कि एडवांस का एक माइंड एडवांस चलेगा, क्योंकि अलग टॉपिक रहेगा तो माइंड में भी एडवांस में लगेगा कि नहीं एडवांस पढ़ रहे हैं तो कुछ हम लोग को अलग सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं उसका वीडियो अलग बनाऊंगा दोस्तों। और जो चल रहा है सिलेबस सीरियल तो चलते ही रहेगा, अगर ऐसा है तो जरूर बोलिए कि हाँ एडवांस का अलग होना चाहिए। चलिए दोस्तों मेरा वीडियो यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, और मेरा वीडियो अपलोड करने का समय है 7 से 8 के बीच में दोस्तों। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों चैनल को वो कर लें। चलिए दोस्तों हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।